राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कल शाम को एक भयावह हादसा हुआ, जिसमें महिला समेत दो लोगों की जान चली गई। देवेंद्र नगर सेक्टर 1 में स्थित भूपेंद्र जैन के मकान में लगभग 8 बजे अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग प्रथम तल पर स्थित उस किराए के मकान में लगी, जहां ऑटोमेशन आर्ट नाम से एक होम इंटीरियर डिजाइन का ऑफिस चलता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस आग का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट से विस्फोट होना बताया जा रहा है, जिससे पूरे ऑफिस में आग फैल गई। इस हादसे में ऑटोमेशन आर्ट के संचालक और उनकी महिला सहकर्मी बुरी तरह झुलस गए हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों घायलों को अम्बेडकर अस्पताल भेजा गया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। मकान की पहली मंजिल पर भीषण आग की वजह से एसी फट गया, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई। एक भयावह हादसा सामने आया है, जिसमें इस हादसे में ऑटोमेशन आर्ट के संचालक और उनकी महिला सहकर्मी बुरी तरह झुलस गए हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा था, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। हालांकि डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया है। मामले की अधिक जानकारी के लिए रायपुर से भोलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलेश, क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, जो रायपुर रायपुर शहर है उसके एक रहोसी इलाके देवेंद्र नगर है, जो की बीती रात को लगभग 11-12 के आसपास एक ऐसी बात हो गई जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। और ये घटना आमतौर पे ये शॉर्ट सर्किट और ऐसी गैस का मामला है, तो लगातार शहर में रहती जाकर में इतनी बड़ी घटना होना बहुत लाजमी नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सुरक्षा और इतने सारे इंतजाम, इसके बाद भी ऐसी गैस होने के बाद धुआं धुआं इलाके में आग फैल नहीं पाई। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम वहां उपस्थित रही, लगातार पुलिस बल भी वहां पहुंच गई, तो सारी जो चीजें हैं उसको घोषित कर लिया गया है, सारी इंतजाम को पुख्ता कर लिया। जांच के बाद सामने आ गई कि क्या कारण हो सकते हैं इस आग लगने की। बोले जो ऑफिस था या ये जो मकान था, ये कमर्शियल एरिया में था या फिर रेसिडेंशियल एरिया में था, क्या कुछ जानकारी इस मामले में सामने है और कितने लोग और घायल हुए हैं, इसमें कुछ जानकारी? ये मकान था और ये घर की घटना है। लगातार जो आरिफ खान जी है या उनका निवास स्थान था, वो जो आईसी बस में उनकी मौत हो गई है और यह एक शहर के रहीसी या अमीर सब्जी के लोग यहाँ इस इलाके में रहते थे। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भोलेश, धन्यवाद।